कुछ मूवीज होती है ना जिसको देखने के बाद आप यूट्यूब पर जाते हो, मूवी का नाम लिखते हो और साथ में लगाते हो एक्सप्लेन का एक शब्द, ये बिल्कुल वैसी फिल्म है। अगर आपको द सिक्स सेंस, प्रीडेस्टिनेशन, शटर आइलैंड जैसी मूवी देखना पसंद आई थी ना, तो भाई इस मूवी को आप बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। इस फिल्म का नाम है डॉनी डार्को 2001 की ये फिल्म है, स्टारिंग जेक जिलेनहॉल। और आज के इस वीडियो में मैं इस मूवी को रिव्यू भी करूंगा और साथ में इसको एक्सप्लेन भी करूंगा, क्योंकि इस मूवी को अगर आपको कोई भी बोलना कि मैं एक बार में इस मूवी को समझ गया था तो वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि मूवी अपने आप को एक्सप्लेन नहीं करती है। मूवी सब आपके ऊपर छोड़ देती है कि अपने हिसाब से इस मूवी को आप समझ सकते हो। तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है, मूवी को देखने के बारे में सोच रहे हो, तो इस वीडियो को रिव्यू तक बस देखना, क्योंकि जहां मैं मूवी को एक्सप्लेन करूंगा ना, वहां पे मूवी को लेकर भारी स्पॉइलर्स आ सकते हैं। मूवी एक बार देख लो, जब दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आएंगे ना, तब इस वीडियो को आप पूरा देखना। सो लेट स्टार्ट। तो जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अगर आपको सस्पेंस, थ्रिल से भरी हुई मूवी देखना पसंद है जिसकी एंडिंग आपको शॉक में डाल दे, तो इस मूवी को आपको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। 2001 की फिल्म है, फिर भी ना इसका जो कॉन्सेप्ट है ना, जो इसकी स्टोरी राइटिंग है ना, वो आज 2023 की फिल्मों को भी टक्कर दे पाती है। VFX थोड़ा डाउन लग सकता है 2001 के हिसाब से, लेकिन भाई कॉन्टेंट में बिल्कुल भी कमी नहीं है। स्टोरी के बारे में बात कर लेते हैं, एकदम स्पॉइलर फ्री रहने वाला है ये रिव्यू, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो स्टोरी डॉनी के बारे में है, जो टीनेजर लड़का है, और टीनेज में जो प्रॉब्लम्स होती है ना, वो डॉनी के साथ भी है। वो एरोगेंट है, वो झगड़ा करते रहता है स्कूल से, आए दिन की कंप्लेन आती रहती है। तो ये सब चीज़ें डॉनी की लाइफ में चल रही है, लेकिन ये सब तो कुछ भी नहीं है। डॉनी की लाइफ तब बदल जाती है जब एक बड़े साइज का रैबिट उसको दिखने लग जाता है रात के समय, जो उससे कहता है कि 28 दिन 6 घंटे 42 मिनट और 12 सेकंड के बाद ये दुनिया खत्म हो जाएगी भाई। और ये सुनते साथ ना हम शॉक में चले जाते हैं कि भाई साहब ये चल क्या रहा है, ये है कौन। ये सब चीज़ें दिमाग में एंटर हो जाती है हमारे, और इसके बाद से वो रैबिट ना डॉनी को दिखते रहता है। और हर बार जब भी उसको वो दिखता है, वो डॉनी का कुछ काम करने के लिए करता है। वो डॉनी वो काम को करता भी है, और काम ऐसे नहीं, बहुत ही डेंजरस काम। अब ये सब चीज़ें क्या चल रही है, डॉनी का क्या कनेक्शन है उस रैबिट के साथ से, रैबिट है कौन, आया कहाँ से, और ये सब चीज़ें डॉनी को करने के लिए क्यों बोल रहा है, ये सब कुछ का जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। और जब भाई वो ये राज खुलता है ना, वो आपको शॉक में डाल देता है। मतलब दिमाग से ये मूवी इस तरह खेलती है ना कि आप इसके हैंगओवर से जल्दी उतरने नहीं वाले हो। तो ये तो हो गया इस मूवी का रिव्यू, और इतनी मेरी तारीफ करने के बाद आप समझ ही चुके होंगे कि मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। लेकिन एक चीज़ बतानी आपको और भी ज़रूरी है कि 2 घंटे और 15 मिनट इसकी लेंथ है, जो छोटी लेंथ है, कोई बड़ी लेंथ नहीं है, लेकिन फिर भी ना ये मूवी बहुत ही सिंपल पेस पर चलती है। मूवी में कॉन्वर्सेशन होती रहती है, शॉकिंग जो भी चीज़ें ना वो उसके एंड में है, तो एंड से पहले ये मूवी ना बहुत ही स्लो पेस पर चलती है। तो आपको सब्र कर इस मूवी को देखना पड़ेगा, लेकिन एंड में जो चीज़ रिवील होती है ना, आपका सब्र को वो पूरा वर्थ इट लगती है। तो डेफिनेटली अगर आपको शॉकिंग एंडिंग वाली मूवी देखना पसंद है ना, तो इस मूवी को डेफिनेटली आप देख सकते हो। मूवी मुझको बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और मैं आपको रेकमेंड करने वाला हूँ। तो ये रिव्यू को यहीं तक रखते हैं, अब मैं इस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अगर आपने इस मूवी को नहीं देखा है, तो इस वीडियो को यहाँ पे आप बंद कर सकते हो। मूवी देखने के बाद जब दिमाग में बहुत सारे डाउट्स आएंगे ना, तब इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हो। तो अगर आप यहाँ तक ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपने इस मूवी को देखा है। और मूवी को देखने के बाद आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिसके आप आंसर ढूंढने के लिए इस वीडियो पर यहाँ तक रुके हुए हो। अब मैं आपको जो भी कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ ना, जो मैंने समझा है, जो मैंने रिसर्च किया इस मूवी को लेकर, आपको मैं उसके तहत बताने वाला हूँ। मैं 100% श्योर नहीं बोलूंगा कि डायरेक्टर का विजन यही था इस मूवी के बारे में, क्योंकि आप किसी और का भी रिव्यू देख लेना मेरे इस रिव्यू देखने के बाद, सबने अपनी अपनी थ्योरी लगाई है, लेकिन बेसिक प्लॉट सबका सेम है। कुछ कुछ डिफरेंस लोगों ने अलग अलग अपने हिसाब से बताए हैं, जो मैं अभी आपको यहाँ पर अपने हिसाब से बताने वाला हूँ कि इस फिल्म में ऐसा कुछ हुआ होगा। अब इस फिल्म में एक बुक बताई गई जिसका नाम है द फिलोसफी ऑफ टाइम ट्रेवल। ये फिल्म उसी एक फिक्शनल बुक के ऊपर आधारित है। इस फिल्म में साइंस के कुछ सिद्धांत बताए गए जिसका रियल साइंस से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए ये फिल्म की कहानी भी फिक्शनल है। इसमें आप लॉजिक नहीं ढूंढ सकते हो कि ऐसा थोड़ी होता है, आप ऐसा नहीं कह सकते हो। तो इस बुक के हिसाब से माने तो इस फिल्म में दो टाइप की दुनिया दिखाई गई है, एक रियल दुनिया और एक फेक दुनिया। फेक दुनिया को इस फिल्म में टेंजेंट यूनिवर्स के नाम से जाना गया है। अब जैसे ये टेंजेंट यूनिवर्स क्रिएट होता है ना, कैसे क्रिएट होता है एक्जैक्टली तो नहीं बताया गया है, लेकिन एक ग्लिच के कारण कुछ समय के लिए एक ऐसा यूनिवर्स बन जाता है जो हमारे रियल वर्ल्ड के एक्जैक्ट कॉपी होता है, लेकिन ये टेम्प्रेरी होता है, कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के बाद ये ऑटोमेटिकली ब्लैक होल में जाकर नष्ट हो जाता है। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है, इसका इफेक्ट तब तक रियल दुनिया पर नहीं पड़ेगा जब तक रियल दुनिया और जो फेक नई दुनिया क्रिएट हुई है, इन दोनों के बीच में कोई डिफरेंस ना रहे। अगर कोई इन दोनों के बीच डिफरेंस आ जाता है ना, तो ये जो ब्लैक होल है वो इस फेक दुनिया के साथ साथ रियल दुनिया को भी अपने अंदर खींच लेगा। और इस फिल्म में वो डिफरेंस आता भी है, वो प्लेन का जो इंजन गिरता है डॉनी डार्को घर के ऊपर, पहली सीन में हमने देखा है, उसके कारण डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। अब यहाँ पर मैं एक बहुत ही शॉकिंग खुलासा करने वाला हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, मूवी का पूरा एक्सप्लेनेशन आपको इस एक मिनट में मिलने वाला है। अब पहले ही सीन में हम देखते हैं कि डॉनी के घर के ऊपर प्लेन का वो इंजन गिर जाता है और रियल वर्ल्ड में वो गिरता है और रियल वर्ल्ड के डॉनी डार्को की डेथ हो जाती है। उसके बाद जो भी कुछ आप देखते हो ना, वो सभी चीज़ें
फेक वर्ल्ड जो क्रिएट हुए रहता है ना टेंजेंट यूनिवर्स, उसके थ्रू आपको दिखाई जाती है कि उस रात को अगर डॉनी डार्को बच जाता तो उसके बिहाफ में उसकी गर्लफ्रेंड की मौत भी हो जाती, उसके सिस्टर का जो बॉयफ्रेंड जिसका नाम फ्रैंक रहता है जो हमें पूरी फिल्म में वो बनी के रोल में दिखता है उसकी डेथ भी हो जाती, इवन जो उसकी छोटी बहन और उसकी मदर है जो प्लेन क्रैश में मर जाते हैं उनकी डेथ भी हो जाती अगर उस रात को डॉनी डार्को बच जाता तो। तो ये सब चीजें आपको टेंजेंट यूनिवर्स के थ्रू दिखाई जाती है, लेकिन टेंजेंट यूनिवर्स में जो डॉनी डार्को है वो अपनी मौत को स्वीकार करता है और एक पोर्टल के थ्रू उस प्लेन के इंजन को पोर्टल के थ्रू रियल वर्ल्ड में भेज देता है। और रियल वर्ल्ड का हम पहला सीन देखते हैं फिल्म में जहां हमारे रियल वर्ल्ड के डॉनी डार्को को ये बात याद रहती है कि आगे क्या होने वाला है और वो अपनी मौत को स्वीकार करता है क्योंकि उसकी मौत से कईयों की जानें बच रही थी, स्पेशली उसके अपनों की। तो ये इस फिल्म की एक सिंपल सी स्टोरी है जो मैं आपको बताकर यहाँ पर 2 मिनट सांस लेना चाहता हूँ। बाकी अगर आप लॉजिक घुसाने घुसोगे ना कि वो पोर्टल से कहाँ से आया, वो इंजन कितना इंजन थे, क्या क्या वो नाम का यूज़ कर रहे थे वहाँ पर, मैनिपुलेटेड डेड वो सब क्या था, तो वो सब का आप इग्नोर कर दो। फिल्म में जो भी कैरेक्टर्स आपको दिख रहे थे उन सब के से वो केवल नाम थे, वो उसको ऊपर ध्यान देने की तरह जरूरत नहीं क्योंकि मूवी वैसे इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन है, नाम को एक्सप्लेन करूंगा ना भाई तो मैं खुद ही एक्सप्लेन नहीं कर सकता ना आप समझ पाओगे। तो ये है थी इस फिल्म की एक सिंपल सी स्टोरी लाइन। तो आप कितना मुझसे सहमत है, कि आपकी कोई और थ्योरी आप मुझको कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। ऐसे एक्सप्लेनेशन के लिए, लेटेस्ट मूवी रिव्यूज के लिए मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। You're still here. It's over. Go home.